हेलो दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से कॉफ़ी बनाया जाता है। ये कॉफ़ी बनाने का फैक्ट्री है। पहले पेज को काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद इसको अब फोल्ड करेंगे। इसको चार भाग में फोल्ड किया जाता है, चूँकि पेपर बड़ा होता है। चार भाग में फोल्ड करके इसको रखेंगे। पहले फोल्ड करने के बाद देखिए कवर किस तरह से चढ़ा जाता है। इसको अच्छे से एडजस्ट करके रखते चले। देखिए उसको रखने के बाद अब इसमें पिनअप करेंगे। चलिए स्विच ऑन कर दिए। अब देखिए किस तरह से पिनअप किया जाता है। आप जितना ज़्यादा ये काम करोगे उतना आपका हाथ स्पीड में काम करेगा। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। आपको आगे इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे कितना इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। ये अभी कॉपी दो पार्ट में है, इसको अभी कटर मशीन से काटा भी जाएगा। इनका स्विच उल्टा है। अब इसको देखिए, इसको ये मशीन में डालेंगे। इनका नाम है तेज स्क्वायर मशीन। इनको ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद मशीन में देंगे। यह मशीन प्रेस करती है। प्रेस करने के बाद नीचे से उसमें एक रोलर चलता है जो नीचे से उसको पूरा एज का स्क्वायर कर देती है, मतलब एज को बना देती है पूरा बढ़िया से। एज स्क्वायर हो गया है। अब चलिए इसको कट करके दिखाते हैं। ये जो है, ये जो घुमाया जा रहा है वो है इसको ऊपर नीचे करने वाला। ब्लेड को ऊपर नीचे किया। और ये जो है ये रोलर है कॉपी को आगे पीछे करके एडजस्ट करने वाला। आगे पीछे करके एडजस्ट हो गया। अब ऊपर का जो रोलर है उसको घुमा के उसको प्रेस कर दिया जाएगा। देखिए ये जो घुमाया जा रहा है, वहाँ जो घुमाया जा रहा था उससे आगे पीछे होता है, जिससे कॉपी एडजस्ट हो जाए अच्छे से। देखिए कॉपी एडजस्ट हो गया है। अब ऊपर का रोलर घुमा के इसको प्रेस करके बैठा दिया। ये जो है ये बुल जैसे इधर करेगा और ब्लेड आके उनको काट देगा कॉपी को। देखिए किस तरह से उसको पुल किया और ब्लेड आके काट दिया। बहुत ही आसान होता है इसको करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अब इसको ढीला करके अब उसको निकाल लेगा कॉपी को। कॉपी कट गया है। अब देखिए इसको बीच से काट के कॉपी को दो पार्ट में कर देगा, चूँकि लंबा है। देखिए जैसे उसको घुमाएगा इधर ये पीछे भागता है। चूँकि अब कॉपी को बीच से काटना है तो इनको फिर से एडजस्ट करेंगे अच्छे से। एडजस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जो कॉपी सेंटर में कटे, क्योंकि इधर उधर अगर कट गया तो कॉपी फिर छोटा और बड़ा हो जाएगा। इसको घुमा के सेंटर पे किया जा रहा है कॉपी को। सेंटर पे हो गया है। अब इनको पुल करेंगे। जैसे देखिए पुल किया और कॉपी को कट के तैयार। ये आप कुछ टाइम अगर कर लेंगे तो बहुत फास्ट में भी कर सकते हैं। अभी ये लोग भी नए हैं तो ये लोग को भी अच्छा से पता नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना फास्ट में हाथ चलेगा और उतना फास्ट में काम भी होगी।
ये कॉपी को तीन साइड से काटना होता है, क्योंकि तीन साइड से काटने के बाद ही कॉपी दिखने में भी अच्छा लगता है और कोई भी अगर ख़रीदेगा तो अच्छा दिखेगा तभी लेगा वो, तो इसीलिए कॉपी को तीन साइड से काटा जाता है। देखिए अब कॉपी बनके तैयार है। इज स्क्वायरिंग, पिनिंग, कटिंग सारा कुछ होने के बाद अब कॉपी बनके तैयार है। ये कॉपी अब 20 रुपया में बिकेगी। ये है स्पायरल मशीन जिसका काम है मतलब होल करना। देखिए किस तरह से ये होल करती है। इसके बाद होल होने के बाद सारा पेपर को एकत्रित करके मतलब कम कम करके पेपर को होल किया जाता है। होल करने के बाद इसमें स्पायरल कैसे घुमा के और इसको पूरा मतलब इसका कवर ऊपर से आता है। कवर लगाने के बाद इसमें ये स्पायरल करके और ये कॉपी भी बनाया जाता है। ये कॉपी का पेज थोड़ा फ्रेश होता है, कॉपी थोड़ा कॉस्टली आता भी है और कॉस्टली बिकता भी है। इसलिए सभी कुछ आप लोगों को दिखा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।